हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जहां कोरोना के कहर के चलते देश अपने बुरे वक्त से गुजर रहा है, तो वहीं लॉकडाउन की स्थिति में अब राजनीतिक और सामाजिक लोगों ने भी जरूरतमंदों के लिए हाथ आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। लॉकडाउन की स्थिति में लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जहां बुलंदशहर में सत्ताधारी भाजपा के मंत्री और विधायक समेत कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए प्रशासन को चेक सौंप रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता भी लोगों की हर मुमकिन मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। सिकंदराबाद के पूर्व बसपा प्रत्याशी हाजी इमरान अंसारी ने भी जरूरतमंदों के घर तक राशन पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। हाजी इमरान अंसारी ने जरूरतमंद और असहाय लोगों की बस्ती में खाद्य सामग्री वितरण कराई। इस दौरान सामग्री वितरण करने वाले लोग कोरोना के मद्देनजर भी एहतियात बरत रहे हैं। हाजी इमरान अंसारी ने कहा कि कोरोना से लड़ी जा रही जंग में न सिर्फ वो लोग बल्कि हर भारतीय केंद्र और यूपी सरकार के साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? हाजी इमरान। आपके यहाँ से जो खाद्य सामग्री वितरण की जा रही है, क्या उद्देश्य है और कैसे लोगों को कैसे पहुँचाया जा रहा है? ये जो सामग्री हमने यहाँ बांटी है, कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना वायरस एक घातक वायरस है और सभी लोगों को इसमें घर में रहना चाहिए और घर से बाहर बिल्कुल ना निकलना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। ये जो हमने सामग्री मंगाई है, जो गरीब मजदूर तबके के लोग जिनके रोज़गार बंद हो चुके हैं, उनके वहाँ हमने दो दो लड़कों की टीमें बनाकर ये पैकेट पूरी सामग्री उन गरीब मजदूरों में, सर्व समाज के लोगों में हमने पहुंचाने के लिए ये सहायता का काम किया है। और लोगों से क्या अपील करेंगे आज? लोगों से बस मैं ये अपील करूंगा कि इस वायरस को लेकर सब अपने घरों में अपने सहायता बरतें और संयम बरतें, अपने घर में रहें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। इमरान ने नगर के लोगों से घर में ही सुरक्षित रहने की अपील की, साथ ही यह भरोसा दिलाया है कि किसी भी समाज, किसी भी वर्ग का कोई भी नागरिक को 21 दिन तक खाद्य सामग्री की कोई समस्या ना होने दी जाएगी। उसके लिए इनका पूरा परिवार हर नागरिक के साथ खड़ा है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शाकिर मलिक, Time 24 न्यूज। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।